प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इस बात के लिए डिस्कस किया था कि कब इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए इसको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। देखिए, द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। मतलब हमको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, वेयर a1 इज कोफिशियंट ऑफ x, b1 इज कोफिशियंट ऑफ y एंड c1 इज ए कांस्टेंट। एंड इन सेकेंड, a2 इज कोफिशियंट ऑफ x, b2 इज कोफिशियंट ऑफ y एंड c2 आल्सो इज कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन के जो कोफिशियंट हैं उसके रेशियो को हम देखेंगे। जैसे एक्स का कोफिशियंट a1 और a2 है, वाई का कोफिशियंट b1 और b2 है, और हमारे पास क्या है, कांस्टेंट c1 एंड c2। तो इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट हैज नो सोल्यूशन। सेंस ये है कि a1 a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो कोई भी सोल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट। इट मींस नो सोल्यूशन को ही हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो एंड c1 c2 का रेशियो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड में बात करें तो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स इट हैज यूनिक सोल्यूशन या इट हैज वन सोल्यूशन।